हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से नवरात्रि फोटो एडिटिंग कुछ इस प्रकार की। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आपको भी सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का एडिटिंग का वीडियो देख सके। तो चले बिना देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आना है, सिंपली बैकग्राउंड को ले लेना है, टूल्स पे क्लिक करना है, रिसाइज इमेज पे क्लिक करके मैक्सिमम रिसाइज इमेज आपको डाल देना है और सिंपली आपको डन कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन में, सिंपली अपने फोटो का कटआउट ले लेना है और सिंपली आपको ये पीएनजी मिल जाएगी गर्ल्स की, तो ये वाली आपको ले लेना है, कुछ इस प्रकार आपको लगा देना है एंड सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, दोनों को सिंपली ऐड कर लेना है। तिलक वाली पीएनजी को कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर लगा देना है एंड जो आपकी सेकंड वाली पीएनजी है कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली आपको ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है, सिंपली इसकी सैचुरेशन को आपको 100% कर देना है, सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐड फोटो में चले जाना, आपको ये स्मोक की पीएनजी मिल जाएगी, इसको ले लेना है, ब्लेंड ऑप्शन से इसको सिंपली आपको कर लेना है स्क्रीन में और सिंपली आपको कुछ इस प्रकार यहाँ इसको लगा देना है। लगाने के बाद अगेन आपको ऐड फोटो में चले जाना, आपको ये तीन पीएनजी मिल जाएगी, इन तीनों को ले लेना है। पहली वाली पीएनजी को कुछ इस प्रकार यहाँ लगाना है, सेकेंड वाली पीएनजी को आपको फ्लिप वाले ऑप्शन पर जाके थर्ड से फ्लिप करना है और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ लगा देना है। इसके बाद आपको जो थर्ड वाली पीएनजी मिलेगी उसको कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हो सिंपली इतना हो गया। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है और सिंपली आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, इसको आपको ऐड कर लेना है, साइज को आपको बड़ा करना है कुछ इस प्रकार, ऊपर की तरफ कर लेना है, इरेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, हार्डनेस को बिल्कुल जीरो कर देना है और कुछ इस प्रकार अपने फेस पे से आपको इसको इरेज कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको इरेज कर लेना है, ध्यान से आप देख लेना है। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये पार्टिकल मिल जाएंगे, तीन पार्टिकल है, इन तीनों को आपको ऐड कर लेना है, इसके ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है फर्स्ट वाले के और स्क्रीन में कर देना है, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ की तरफ लगा देना है। सेकंड वाले को लेना है, सिंपली ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है, स्क्रीन कर देना है, साइज को बड़ा करना है, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद आपको थर्ड वाले पे चले जाना है सिंपली और ब्लेंड ऑप्शन से स्क्रीन कर लेना है और कुछ इस प्रकार इसको नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इसको लगाना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार इसको लगा लेना है एंड सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये टेक्स्ट की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको आपको ऐड कर लेना है, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको लगा देना है और राइट पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में और सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो को करना सेव, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को भेज देना आपको सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो इसका कॉन्ट्रास्ट है कुछ इतना परसेंट आपको रख देना है। शैडो वाले ऑप्शन पे जाना, शैडो को कुछ इतना परसेंट आपको कर देना है एंड इसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, टेम्परेचर को आपको कुछ इतना परसेंट रख देना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद आपको सिंपली टिंट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो टिंट को कुछ इतना परसेंट आपको रख देना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद आपको चले जाना विवरेंस वाले, तो विवरेंस को 50%, सेचुरेशन को 10% आपको कर देना है सिंपली। इसके बाद आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेकंड वाला ऑरेंज कलर लेना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन, लूमिनस को आपको सिंपली बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको चले जाना है येलो वाले कलर पे, येलो का यूआई आपको चेंज कर लेना है, तो आप देख सकते हो कुछ इतना हम रख लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली सैचुरेशन को बढ़ा लेना है कुछ 50% के करीब और लूमिनस को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है।
इसके बाद आपको चले जाना ग्रीन वाले कलर पे। तो ग्रीन का कुछ आपको यूआई इतना रख देना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद आपको सैचुरेशन को 50% कर देना है, थोड़ा सा आपको लुमिनस को बढ़ा देना है। ब्लू वाले कलर पे जाना है तो ब्लू को आपको थोड़ा सा यूआई चेंज कर लेना है, कुछ इतना परसेंट, सैचुरेशन इतना परसेंट और लुमिनस को इतना परसेंट करके डन पे क्लिक कर देना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, विजनेट को आपको माइनस में कर लेना है थोड़ा सा। डिटेल वाले ऑप्शन पे चले जाना है, शार्पनिंग को कर लेना 100%, मास्किंग को कुछ 20% के करीब, नॉइज रिड्यूस आपको 20% कर देना है और कलर नॉइज रिड्यूस आपको 20% कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर रह गया, तो इसके लिए आपको जाना है बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हो। और जो आपका सिंपली जो पीएनजी है वो रेड कलर में, इसको हम ऑरेंज पे करेंगे। तो इसके लिए हम चले जाएंगे सिंपली मिक्स वाले ऑप्शन पे, कलर पे क्लिक करेंगे, मिक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपली रेड वाला कलर लेंगे। इसका यूआई आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, तो कुछ इतना रख लेंगे, सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा लुमिनस को भी बढ़ा लेंगे। तो आप देख सकते हो कलर हो गया है डन बिल्कुल। इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस आपको कर लेना है।